हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल थिंक नेक्स्ट। हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ ऑफ पीएचपी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ पीएचपी। ये दोस्तों वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी जो लोग अभी पीएचपी शुरू करने वाले हैं या फिर पीएचपी सीखने के बारे में सोच रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीएचपी है क्या, इसका हिस्ट्री, यूजेस एंड स्कोप ऑफ पीएचपी। ये बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बता रही हूँ कि पीएचपी है क्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पीएचपी के इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी वॉज प्रीवियसली कॉल्ड द पर्सनल होम पेज। ए वेबसाइट क्रिएटेड थ्रू पीएचपी इज कॉल्ड अ डायनामिक वेबसाइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो बिफोर यू स्टार्ट योर पीएचपी। तो पीएचपी स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू फॉर कोडिंग, क्योंकि जो पीएचपी है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कोडिंग बेस्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि एक सिंटैक्स आपको शो किया गया है, जितना ये सारा का सारा सिंटैक्स जो है ये टैग्स के अंदर है। स्टेटमेंट टैग्स आप देख सकते हैं, ये वो सेक्शन है जहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जो हमारी एग्जीक्यूट होती हैं प्रोग्राम के अंदर। तो सारी की सारी जो पीएचपी है वो टैग्स और कोडिंग के ऊपर बेस्ड है। मूविंग फर्दर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीएचपी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पीएचपी है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिजाइंड फॉर वेब डेवलपमेंट, बट पीएचपी इज ऑल्सो यूज एज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएचपी वॉज क्रिएटेड बाई रेस्मस लेरडॉर्फ इन 1994। फॉर हिज हार्डवर्क ही क्रिएटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड कॉमन गेटवे इंटरफेस। इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्जन्स ऑफ पीएचपी, चाहे ये डेवलप 1994 में हो गया था बट इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो 1995 में रिलीज़ हुआ था। पीएचपी का फर्स्ट वर्जन 8th ऑफ जून 1995 को रिलीज़ किया गया था और उस वक्त के बाद अब तक जो है कंटिन्यूसली इसके अपडेटेड वर्जन जो है वो मार्केट में आते रहे हैं। और जो लेटेस्ट वर्जन अब चल रहा है वो 31st ऑफ दिसंबर 2018 का है। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ पीएचपी। पीएचपी इज़ ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैज़ मैनी फीचर्स। सम ऑफ दोज फीचर्स आर कॉमन एज इट इज़ प्रोवाइडेड बाई मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, पर्ल। इन अडिशन, पीएचपी ऑल्सो इंक्लूड्स यूनिक फीचर्स ऑफ इट्स ओन। इन दिस आर्टिकल आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ पीएचपी। The features of PHP are simple, faster, interpreted, open source, case sensitive, simplicity, efficient, platform independent, security, flexibility, familiarity, error reporting, loosely typed language, real-time access monitoring. Let's talk about the scope of PHP. Why PHP? As per Wikipedia, 75% of websites use PHP, like Facebook, Wikipedia, Yahoo, and PhotoBucket are all built in PHP. According to W3Techs data, PHP is used by 78.9% of all websites with a known server-side programming language. So almost 8 out of every 10 websites that you visit on the internet are using PHP in some way. At last friends, आपको मैं PHP के स्कोप के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाएं तो हर किसी के माइंड में होता है कि जो काम हम करने वाले हैं, जो करने जा रहे हैं उसका स्कोप का है क्या है। तो सेम हेयर PHP में भी आपके, अगर आप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपके माइंड में होगा कि आखिर इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप जो है वो वर्ल्ड वाइड है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम जिस एरिया में कर रहे हैं वहाँ पर हमारे स्कोप नहीं है तो कहीं पर भी नहीं है। अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो PHP डेवलपर्स को हायर करती हैं, वेबसाइट डेवलपर्स को हायर करती हैं, तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ही वाइड है। So friends, at last I want to tell you that if you want to become a software engineer, then come out and learn PHP from our company ThinkNext Technologies Private Limited. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।